आज की स्टार्टिंग हो रही है ये वाटरमेलन जूस एंड फ्रेंच फ्राइज, इनके फेवरेट। और ये इतना दूर जाके बैठ गई है, पता है क्यों? क्योंकि कैमरे में ना ये इनको लगता है कि ये पास में बैठी हैं तो ये मोटी लगती हैं, ऐसा है कुछ कुछ भी बोलते हो यार आप तो इतना दूर क्यों जाके बैठे हो? ये देखो हाथ भी दूर करके बैठना पड़ रहा है आपको। स्टार्ट करो चलो आज ट्रैक के दर्शन कराता हूँ पूरे। डन उसी के लिए एक्साइटेड हूँ मैं सबसे ज्यादा। हैं, मुझे पता है मेरे को छोड़ के हर चीज के लिए एक्साइटेड हो आप कुछ भी बंद करो, कुछ भी बोलते हो बंद। तो गाइस फाइनली बाइक्स मेरे पीछे से आने वाली है और यहाँ पे ये फर्स्ट टर्न, फिर ये सेकंड टर्न, फिर ये थर्ड, वहाँ पे फोर्थ। तो चार टर्न्स हैं यहाँ पे, चारों टर्न पे बहुत अच्छे से दिखेगा आपको कि बाइक्स टर्न लेती हुई कैसी लगती है। तो काफ़ी अलग है फर्स्ट एंड सेकंड बाइक में। इतना नीड रहा है तो पहली बार देखा होगा कि घुटना ही टच हो गया पूरा। हाँ, actually, wow। तो वैसे ये जो टर्न है ना, ये टर्न एक्चुअली डीप है, नीड रैक बहुत आराम से हो सकता है और कर भी रहे हैं लोग, काफी अच्छा नीड रैक कर रहे हैं। तो ये सेकंड लैप है, सेकंड लैप में थोड़ा सा और एग्रेसिव होते हैं, एग्रेशन काफी दिखता है, सेकंड लैप का एग्रेशन अच्छे से दिख रहा है, बहुत अलग से दिख रहा है सेकंड लैप का एग्रेशन, बहुत जबरदस्त फर्क। इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है अभी, फर्स्ट क्लास वाला नया, तो नया नया नई चीज़ देखने को मिली। हेलो, इंस्टाग्राम पे कभी फोटो नहीं देखी मेरी ऐसे हुई है? नहीं। कैसी लड़की है ये? तो ये जो लीनिंग होती है ना, ये कम्प्लीटली एक्सपीरियंस के साथ में आती है। जितना आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा आप लीन करते चले जाते हो। इवन पता है BIC में मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो एल्बो तक टच कर देते हैं। हाँ। और एक दो जने हैं जो हेलमेट भी टच कर देते हैं। आपने मुझे बोला है वहाँ पे भी जाएंगे। हाँ, एक दो जने ऐसे हैं जो हेलमेट भी टच कर देते हैं। सीरियसली? यस, मतलब वो इतना लीन कर लेते हैं कि हेलमेट ही टच हो जाए पूरा, खतरनाक। तो भाई फाइनली हम इस कार के अंदर अब जा रहे हैं, पूरा एक ट्रैक का मतलब कंप्लीट देखने, कॉर्नर्स कहाँ हैं, टर्न्स कहाँ हैं। तो 16 टर्न्स हैं टोटल, जिसमें से जो सबसे टाइट वाले टर्न्स हैं वो भी हैं 3-4, और लेबल्ड 16 हैं, मतलब 2-3 टर्न्स ऐसे हैं जिनको इन्होंने लेबल नहीं किया, मतलब जिनको मार्किंग नहीं दी है, बट टोटल 16 टर्न्स हैं। तो और 3.7 किलोमीटर्स का ये एक लैप है जिस लैप को कवर करते हैं सारे रेसर्स। रेस ट्रैक वहाँ से ये सारे टर्न्स दिख रहे हैं एंड ये बाइक्स गई हैं यहाँ पे एंड फिर वहाँ से पूरा कवर करते हुए, और ये मैं एक्चुअली आ गया हूँ बिल्डिंग के बिल्कुल टॉप पे। सो ये यहाँ की टॉलेस्ट बिल्डिंग है, मतलब सबसे ऊंची बिल्डिंग, और सबसे ज़्यादा ट्रैक यहीं से नज़र आता है। तो अब देखो बाइक सारी एंड फुल स्पीड में, मतलब दिस इज द मतलब फास्टेस्ट ये जो स्ट्रेट दिख रहा है ये वाला, ये लॉन्गेस्ट है यहाँ, मतलब ये वाला। तो यहाँ पे सबसे हाई स्पीड होती है सारे बाइकर्स की। ये कर लिया मैंने जूम, अब देखो
तो एग्जैक्टली ये जिस लेन में हम चल रहे हैं, दिस इज एम्बुलेंस लेन, जहाँ से सारे एम्बुलेंस एंड जो पर्सनल मीडिया व्हीकल्स वगैरह होते हैं वो जा सकते हैं। एंड ये रही मेरे साइड में बाइक्स चलती हुई, तो ये कंप्लीट ट्रैक चल रहा है मेरे साइड में, और इस साइड पे भी ये वाली जो रोड दिख रही है ये भी पूरी ट्रैक की है। यहाँ पे खड़ी है एक एम्बुलेंस फॉर एमरजेंसीज, तो यहाँ पे काफ़ी सारी एम्बुलेंस होती हैं, एक नहीं है, एंड दे आर 16 टर्न्स। तो ये रही है यहाँ से सबसे फास्टेस्ट टर्न है जो दिखता है। A few moments later. तो फाइनली मैं वहाँ से ट्रैक से आ गया हूँ, और ये ट्रैक का जो है ये पिट स्टॉप एरिया है। तो ये सारे पिट्स अलग 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 टीम के, लास्ट वाला पिट है जो है TVS का, और यहाँ पे ये जो दो दिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो दो टावर्स हैं, तो एक टावर ये रहा, एक टावर ये रहा, और एक टावर ये रहा, तीन टावर्स हैं। तीन टावर्स में से एक टावर में मैं काफ़ी देर तक बैठा हुआ था, जहाँ से मैं आपको सारा कुछ दिखा रहा था। प्लस ये पिट लेन है, तो ये आ गए सारे राइडर्स, एंड ये राइडर्स अभी चले जाएंगे अपने पिट स्टॉप की तरफ। इनकी रेस अभी ख़त्म हो गई और मैं इन्हीं को कवर कर रहा हूँ। ये रेड कलर की जो जैकेट इन्होंने पहनी हुई है, ये रेड कलर की जैकेट इनकी एक्चुअली एयर बैग जैकेट्स हैं। सो देयर इज अ एयर बैग इन इट, एंड जैसे ही अगर क्रैश व्रैश होता है तो एयर बैग खुल जाता है, सो इट्स अ सेफ्टी थिंग। तो फाइनली मैं आ गया हूँ TVS के पिट स्टॉप पे, एंड काफ़ी बड़ा पिट स्टॉप है ये। काफ़ी सारी बाइक्स होती हैं यहाँ पे, सारी कैटेगरीज की बाइक्स, अलग अलग कैटेगरी मतलब अलग अलग CC की बाइक्स, अलग अलग जो एज ग्रुप के लोग चलाते हैं, तो काफ़ी सारी बाइक्स सेम एज ग्रुप के भी चलाते हैं, काफ़ी सारे सेम राइडर्स भी चलाते हैं, बट यहाँ पे हर टाइप की बाइक खड़ी है, काफ़ी एडवांस बाइक्स भी हैं, वो वाली भी कवर करेंगे आज इस वीडियो में। तो गाइस ये मैं आ गया हूँ पिट के अंदर, और यहाँ पे खड़ी है ये RTR 200 बाइक्स, एंड दीज आर कॉल्ड प्रो किट बाइक्स। तो इसके अंदर बेसिक मॉडिफिकेशंस किए हुए हैं, जैसे सस्पेंशन सारा स्टॉक है, और स्टॉक सस्पेंशन को ट्यून किया हुआ है, प्लस कैम में थोड़ा सा चेंज है ताकि थोड़ा सा रेस के लिए रेडी हो जाए, प्लस जो एग्जॉस्ट है वो फ्री फ्लो एग्जॉस्ट है, एंड बेसिक ट्यूनिंग ऑफ द बाइक्स। तो ये वाली जितनी भी बाइक्स हैं ये चलाती हैं या तो फीमेल राइडर्स, या फिर जो भी यहाँ पे मीडिया से रिलेटेड आते हैं वो लोग। तो ये एक पहली कैटेगरी है जो 200 सीसी की है, जो यूज़ होती है रेसिंग के अंदर। तो गाइस इसमें एक और बहुत ही स्पेशल चीज़ लगी हुई है, दैट इज़ TVS यूरो ग्रिप। ये स्पेशल टायर है जो ट्रैक के लिए बना हुआ है, और दिस इज़ अ सॉफ्ट कंपाउंड टायर, मतलब नॉर्मली ऐसे रेस के अंदर स्लिक टायर्स यूज़ होते हैं, बट दिस इज़ अ स्पेशल टायर जो आप यूज़ कर सकते हो ट्रैक के लिए भी, एंड ये भी एक मॉडिफिकेशन किया गया है इस बाइक के अंदर। तो ये एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग है मेरे लिए, क्योंकि ये यहाँ पे ना मतलब एक्चुअली करियर की स्टार्टिंग हो सकती है, एंड ये बच्चों के लिए बाइक स्पेशली तैयार की गई है फॉर किड्स जो यहाँ पे एग्जैक्टली रेस कर रहे हैं। तो जो एज लिमिट है वो स्टार्ट हो चुकी है 11 साल से, एंड ये वाली जो बाइक्स हैं ये 11 साल से 19 साल के बच्चे राइड कर रहे हैं। वेट लिमिट भी है इस बाइक की, तो द मैक्सिमम वेट लिमिट इज़ 60 kg ऑन दिस पर्टिकुलर बाइक। अब एक काम करता हूँ, बाइक दिखाता हूँ और मॉडिफिकेशन बताता हूँ उसको। तो भाई ये रही किड्स बाइक एग्जैक्टली, और कम्प्लीटली मॉडिफाइड बाइक है ये, मतलब ये काफ़ी छोटी सी बाइक है, अगर आपको अभी वैसे कैमरा में नहीं पता लग रहा होगा, बट मैं अभी साइड में खड़ा होकर फिर दिखाऊंगा। तो ये बाइक के अंदर जो चेसी है वो चेसी को छोटा कर दिया गया है, प्लस यहाँ पे फुट पैक्स डिफरेंट लग रहे हैं, एग्जॉस्ट सिस्टम पूरा चेंज है, प्लस यहाँ पे अपसाइड डाउन फोक्स दिए हुए हैं, टायर्स भी स्पेशल लगे हुए हैं रेस टायर्स, एंड यहाँ से अगर पूरा ये स्टेयरिंग भी आप देखोगे तो कम्प्लीटली चेंज है, एडजस्टेबल यहाँ पे पूरा सस्पेंशन दिया हुआ है ताकि आप एडजस्ट कर पाओ रेसिंग के लिए, प्लस इसमें जो फ्यूल टैंक है वो भी एल्युमिनियम का है ताकि इसका वेट रिड्यूस कर सकें। सो दिस इज़ अ 200 cc स्मॉल बाइक, बट एक्चुअली मतलब जो रेसर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो इसको काफ़ी एग्रेसिवली चला रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेरे लिए कल एक ही चीज़ थी कि वो 11 साल का बच्चा ये वाली पर्टिकुलर रेस जीत गया। तो ये मैंने बाइक के साइड में इनको खड़ा कर दिया, देखो अब कितनी छोटी सी लग रही है भाई, है ना, लग रही है बिल्कुल छोटी सी बाइक। तो ये एग्जैक्टली इतनी छोटी बाइक है, ये अभी पेडॉक पे भी है, मतलब और नीचे चली जाएगी करीब करीब, मेरे ख्याल से इतनी और नीचे चली जाएगी। मुझे तो बड़ी लग रही है। आपको बड़ी लग रही है ये? ओह माय गॉड, तो फिर बड़ी बाइक्स क्या होती हैं? हायाबूसा कैसी लगेगी फिर आपको? तो कल जो वो बच्चा जीता था उसका नाम क्या था? श्रेयस। तो श्रेयस मतलब इसको नाम तक याद है, 100% ये फैन तो हो चुकी है उसकी, लास्ट वॉक में। तो फाइनली प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, एंड श्रेयस जो कल जीता था मतलब वो उसका तो मैं भी फैन हो गया भाई, 11 साल का बच्चा, और वो देखने में कैसा, इतना सही वो एक्चुअल में इतना सही सही में। और ये गई बाइक से यहाँ से, तो अब दिखाता हूँ अपर कैटेगरी की बाइक्स, मतलब दैट इज 310 cc जो RR 310 है वो दिखाता। तो भाई अब आ गई ये वाली बाइक, सो दिस इज RR 310, पर ये कम्प्लीटली चेंज है, ये बाइक वैसी नहीं है जैसी आप रोड्स पे देखते हो और आप लोगों ने देखी है। तो
तो ये कंप्लीट फाइबर बॉडी किट जिसको एरोडायनेमिक बना दिया गया है, प्लस ये कंप्लीट प्रोटोटाइप हैंडल बार जो कम्प्लीटली एडजस्टेबल है। इसका सस्पेंशन भी अपसाइड डाउन फोक्स है और स्पेशली ट्यून हो जाते हैं, ये TVS के ही है। एंड टायर्स भी स्पेशल यूरोग्रिप, TVS के यूरोग्रिप जो स्पेशल ट्रैक टायर्स हैं इन्होंने बनाए हैं, मैन्युफैक्चर किए हैं अपने लिए। और इसका जो हेड है और कैम्स हैं वो भी सारे के सारे मतलब स्पेशली ट्यून्ड अप हैं और स्पेशली मेक है रेस के लिए, मतलब हाई आरपीएम्स के लिए। एग्जॉस्ट भी स्पेशली मेड है जो इसी के लिए बना हुआ है। प्लस जो ब्रेक कैलिबर्स हैं, ये आगे और पीछे वाले ब्रेक कैलिबर्स हैं, ये ब्रेक कैलिबर्स भी थोड़े से बड़े साइज़ के लगा दिए गए हैं ताकि ब्रेकिंग और बेटर हो जाए। और यहाँ पे मुझे ये स्टील ब्रेडेड लाइंस भी दिख रही हैं यहाँ पे, ये देखो ये ब्रेक कैलिबर्स बड़े कर दिए गए हैं। एंड दिस इज़ अ कंप्लीट जो फुटरेस्ट है, फुटरेस्ट भी पूरे चेंज किए हुए हैं, थोड़े हाई कर दिए, हाई रेस्ट किए हैं ताकि ट्रैक पे जब अपन लीन करें तो वो टच ना हो। एंड दिस इज़ लुकिंग ऑसम। नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो इनको चला के भी देखेंगे, तो आई एम होपिंग एंड विशिंग फॉर द बेस्ट कि नेक्स्ट टाइम मैं कभी यहाँ पे आऊँ और इनको एक्सपीरियंस करूँ चला के। तो गाइज़ ये जितनी भी बाइक्स दिख रही है ना, ये वन मेक चैम्पियनशिप्स की हैं। एंड यहाँ से जो भी क्वालिफाई कर लेता है, मतलब एक लेवल ये वाला जो क्रॉस होता है, जो एक लेवल होता है वो क्रॉस कर लेता है, एक लाइन क्रॉस कर लेता है, उसको मौका मिलता है नेशनल चैम्पियनशिप के लिए, जो TVS नेशनल चैम्पियनशिप होती है उसके लिए। तो ये वाली सारी बाइक्स पहले सब चलाते हैं, उसके बाद यहाँ से अपने आप को परफॉर्मेंस देते हैं, परफॉर्म करते हैं, एंड उसके बाद नेशनल चैंपियनशिप के लिए जाते हैं। सो गाइस, दिस इज़ TR165 और ये कम्प्लीटली बाइक रेस के लिए रेडी है। मतलब यहाँ पे जो टायर्स हैं ये स्लिक्स हैं, जिसमें कोई कुछ नहीं होता, बिल्कुल फ्लैट टायर होता है एंड बिल्कुल सॉफ्ट कंपाउंड विद कम्प्लीट दिस फाइबर बॉडी किट एरोडायनेमिक करने के लिए। यहाँ पे सस्पेंशन इंडियन ही यूज़ करने पड़ते हैं इनको, मतलब इसके अंदर ये जो कैटेगरी है इसके अंदर इंडियन सस्पेंशन ही यूज़ करना पड़ेगा, बट आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पे डेटा लॉगर है जिसके अंदर कम्प्लीट लैट टाइम एंड सब कुछ पूरा डेटा आपको मिल जाएगा कि किस कॉर्नर पे आप किस स्पीड पे थे। एंड ये GPS से ही कनेक्टेड है। देन इसके अंदर एल्युमिनियम फ्यूल टैंक लगा हुआ है। ये बाइक FI नहीं है, कार्बोरेटर है। एंड इसके अंदर हेड के अंदर आप काफ़ी कुछ चेंजेस करवा सकते हो, बट जो लोअर इंजन है उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो रेस में काफ़ी सारे लॉज होते हैं, वो लॉ को आपको हमेशा मेंटेन रखना पड़ता है। यहाँ पे कस्टम ये फुट पैग्स हैं, गियर लीवर्स हैं, देन चेन स्पोकेट्स एंड चेन कंप्लीट चेंज है। पीछे का सस्पेंशन अब इस साल आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, लाइक ऑलेंस या किसी और कंपनी का, बट पहले ये भी अलाउड नहीं था चेंज करना। तो इस टाइप की बाइक है, फ्री फ्लो, इसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है। एज यू कैन सी द एग्जॉस्ट सिस्टम, ये कम्प्लीटली कस्टम एग्जॉस्ट सिस्टम है और बाइक लग रही है बहुत ही ज़बरदस्त। तो वेट लेस करने के लिए काफ़ी सारा सामान हटा दिया जाता है इसका, ताकि रेस पे जितना कम वेट रहेगा उतना ही बाइक बेटर परफॉर्म करेगी। इवन ये राइडर पे भी डिपेंड करता है, मतलब मेरी अगर हाइट के हिसाब से मैं देखूं तो मेरा आइडियल वेट होना चाहिए 72 से 75 के बीच में। अभी राइट नाउ मेरा वेट है 81, तो अगर मुझे भी रेस करनी है तो मुझे ये वाला मतलब जो पार्ट है ये लूज़ करना पड़ेगा वेट वापस मेरी हाइट के हिसाब से। तो ये सब पूरी डिटेल एंड पूरा जो टूर था कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और अगर रेसिंग ज्वाइन करनी हो तो पूरी डिटेल इसके पहले वाले वीडियो में, लिंक ऊपर कार्ड में आ गया, कार्ड से भी देख सकते हो या इससे पहले वाला वीडियो भी देख सकते हो जिसके अंदर कंप्लीट डिटेल बताई हुई है कि रेस अगर आप करनी हो तो कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो फाइनली यहाँ पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, और बीच में जो खड़ा हुआ था वो था श्रेयस जो 11 साल का है सिर्फ, और उसको मतलब फर्स्ट प्लेस का अवार्ड मिला, एंड दैट समथिंग रियली मतलब ब्यूटीफुल, समथिंग ब्यूटीफुल, रियली अमेजिंग, मतलब लव्ड इट, मज़ा ही आ गया देख। तो गाइस अपन आ गए दिल्ली में और अपन बैठे हैं बिल्कुल एक खाली जगह पे। वैसे मेरा कभी कभी मन करता है तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ये बहुत ही अच्छा पार्क है पीछे, कभी आना चाहो तो आ सकते हो, दिल्ली कैंट के अंदर है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस कल के वीडियो में उसके जवाब कि मुझे भी रेसिंग पसंद है बट इतना लकी नहीं हूँ, औकात नहीं है मेरी। तो भाई औकात औकात कुछ नहीं होती है, और लकी और अनलकी कुछ नहीं होता है। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक लकी और अनलकी कहाँ से आ गया, ट्राई तो करो, पहले मेहनत करो इसके लिए, मेहनत करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, फॉर्म्स फिल करने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा काफ़ी कुछ। तो जाओ पढ़ो, स्टडी करो, पहले FMSCI लाइसेंस के लिए अप्लाई करो, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें और होंगी, आगे आगे होंगी, तो मेहनत तो करो तब होगा। तो सेकंड क्वेश्चन, भाई आई कैन ड्राइव एंड राइड अ बाइक एट हाई स्पीड, टेल मी हाउ टू रजिस्टर अ रेस। तो भाई इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में दे चुका हूँ, उसी वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन है। आई डोंट नो, लोगों को बैठे बैठे लड्डू मुंह के अंदर नहीं जाएगा भाई, सामने मिठाई रख दी है उसको समझो
कितनी खानी है, कितनी खा सकते हो और कितनी खाई जाएगी। तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, सारे ऑलरेडी पेजेस के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, कल वाले आज वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स हैं, जाओ उन पर क्लिक करो, वहाँ पर देखो समझो एंड उसके बाद ज्वाइन करो और वीडियो पूरा देखो। अगर पूरा नहीं देखे बिना कमेंट किया है तो गलत किया है। तो एनीवेज 11 इयर्स बॉय विन द रेस, उसके पास लाइसेंस है क्या? तो भाई 11 साल का बच्चा लाइसेंस नहीं है, वो रोड पे बाइक नहीं चला सकता है अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो ये एक और कमेंट भी आया हुआ है, 11 साल के बच्चे के पास रेसिंग रेस कर रहा है बट क्या वो क्राइम है? आईपीसी के अंडर में आता है? नहीं, वो क्राइम नहीं है क्योंकि रेसिंग इज़ अ स्पोर्ट। तो वो ट्रैक के अंदर कर रहा है और ट्रैक का एक अलग लाइसेंस होता है। तो पहले उस लाइसेंस की जो एज लिमिट थी वो थी 16 साल, अब स्पेशली फॉर किड्स ताकि बच्चे शुरू से ही उस स्पोर्ट को चालू कर दें एंड उसको अच्छे से कर पाएँ, अच्छे से सीख पाएँ, उसको 11 ईयर्स पे कर दिया गया है सेट। तो अब जो एज लिमिट हो गई है वो 11 ईयर्स हो गई है एंड 11 साल की एज से अब आप शुरू कर सकते हो। ये जो चेंज आया है ये श्रेयस की वजह से आया है एंड इट्स अ ग्रेट चेंज। तो थैंक यू टीम TVS एंड एवरीबडी ओवर देयर एट रेसिंग टीम जिन्होंने ये सब पॉसिबल किया है। तो अब क्वेश्चन है, आई एम 19, हाउ कैन आई ज्वाइन द रेस ट्रैक? देखो सारे लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं और आप कोई भी रेस या कोई भी काम करने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी सी मेहनत करो, जाके स्टडी करो, बिना स्टडी के कुछ नहीं हो सकता, बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलने वाला दुनिया में किसी को भी। अगर मैंने ये कार चलानी सीखी ना तो इसके लिए मैंने मेहनत की थी, ये चलाने के लिए भी एक मेहनत थी, एक लेवल था सीखने का और इसको प्रो लेवल पे सीखने के लिए भी मेरे को टाइम लगा है। तो थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है। अगर एग्जांपल मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैंने 10 साल पढ़ाई की और 10 साल पढ़ाई करने के बाद मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी, तो वो 10 साल की पढ़ाई मैं आपको एक दिन में नहीं सिखा सकता, आपको भी 10 साल पढ़ना पड़ेगा मेरे जितना होने के लिए या मेरे से बेटर होने के लिए। तो थोड़ा सा स्टडी करो, नीचे लिंक्स दिए हुए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाओ अच्छे से समझो कैसे कैसे क्या क्या होगा एंड लास्ट वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो अच्छे से देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्लस इस वीडियो में मैंने सारी बाइक्स की कैटेगरी कवर कर दी हैं, जो जो बाइक्स की कैटेगरी यहाँ पे रेस करती हैं। तो रेस वैसे स्टार्ट हो जाती है 165 सीसी से, देन 165-150 सीसी समवेयर एंड उसके बाद 200 सीसी, उसके बाद 300-400 सीसी। तो अभी चेन्नई वाले ट्रैक पे ये तीन कैटेगरीज हैं, बाकी हर जगह पे अलग अलग कैटेगरीज होती रहती है। तो गाइस सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलमोस्ट दे दी है, जो मेरे को वहाँ से मिली वो भी मैंने बता दी है और अगेन फिर एक ही बात कह रहा हूँ कि थोड़ा सा और स्टडी करो अगर वाकई में आप ये करना चाहते हो। देखो लाइफ में कोई भी चीज़ ना आसान नहीं होती, सीधी सीधी नहीं मिलती। मैं इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, मैं आपका हाथ पकड़ के आपको लेके नहीं जा सकता, चला नहीं सकता, वो फॉर्म मैं नहीं भर सकता, उस चीज़ का वेट मैं नहीं कर सकता कि कब उनके रेसिंग के वो स्पॉट्स होते हैं वो खुलेंगे, कब वो चीज़ आपके पास आ सकती है। तो उसके लिए सब आपको ही फॉलो करना पड़ेगा, आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल मैं क्रिप्टो करेंसी में करता हूँ, तो क्रिप्टो करेंसी में अप डाउन जो होता है ना वो मुझे देखना पड़ता है, वो कोई और नहीं देख सकता मेरे लिए, या कोई और पैसे मेरे लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे ही करने पड़ते हैं। तो एनीवेज क्रिप्टो करेंसी अभी काफ़ी डिप पे चल रही है और मैंने डिप में भी काफ़ी नुकसान कर लिया है अपना, बट ठीक है, विद टाइम वो भी बढ़ जाएगा, मेरे ख्याल से 10-15 दिन के अंदर वो अप चला जाएगा। अभी इस टाइम पे पर्टिकुलरली मैं करीब करीब 70,000 रुपये डाउन पे चल रहा हूँ, मतलब करीब करीब 10%, 7 लाख रुपये मैंने लगाए हुए थे, 10% में डाउन पे चल रहा हूँ। तो ये सब अप डाउन चलता रहता है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। तो अगर सब कुछ बढ़िया लग गया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ कल सुबह 10 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली।